Welcome to Spoken Hindi Course by G Master of Manappare. Case endings with pronouns is the topic of this chapter. There are 9 pronouns in Hindi, such as my, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे. इन द सेम वे देर आर 9 केस एंडिंग्स, नेमली ने, को, के लिए, का, के, की, में, से, पर. नाउ द केस एंडिंग ने विल नॉट हैव एनी मीनिंग सेपरेटली. इट इज एडेड टू द सब्जेक्ट और प्रोनाउन फॉर द ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स the verb that brings an object with it. For example, give, get, eat, drink, read, write, etc. The transitive verb will answer for 3 questions: what, which, and whom. The next case ending is को. को means to. मुझको means to me. उनको means to them. के लिए means for. मेरे लिए for me. हमारे लिए for us. का is a case ending for of. का, के, की, all the 3 will have the same meaning of. For masculine singular object we use for masculine plural and for respectable persons we use K. For feminine singular or plural ki is used. One must be careful what noun is coming after the subject, that is masculine singular, masculine plural, feminine singular or feminine plural. My plus ka will become mera. Mera bhai, my brother. Hum plus ke, hamare. Hamare dost, our friends. Hum plus ki, hamari. Hamari ma, our mother. The next case ending is may. May means in. Tum mein kya visheshta hai? What is the speciality in you? Hum mein kya galati hai? Means what is the fault in us? इन में अनेक गायक हैं. देर आर मेनी सिंगर्स इन दम. अनदर केस एंडिंग इज से. से इज यूज्ड फॉर
from, by, or than. वो सवेरे से खेलता है. He is playing from the morning. ये पत्र हमसे लिखा गया है. This letter is written by us. करीम मोहन से ऊंचा है. करीम is taller than मोहन. The last and the ninth case ending is पर. पर simply means on or upon. आपको मुझ पर गुस्सा क्यों है? Why are you angry upon me? उन पर क्या दोष है? What is the defect upon them? मेज पर किताब है. The book is on the table. Now I repeat. My plus ne, maine. My plus ko, mujko or mujhe. My plus ke liye, mere liye. My plus ka, mera. My plus ke, mere. My plus ki, meri. My plus me, mujh me. My plus se, mujh se. My plus par, mujh par. Now, hum. हमने, हम प्लस ने हमने, हम प्लस को हमको और हमें, हम प्लस के लिए हमारे लिए, हम प्लस का हमारा, हम प्लस के हमारे, हम प्लस की हमारी, हम प्लस में हम में, हम प्लस से हमसे, हम प्लस पर हम पर. For the pronoun two, certain case endings will not be applicable. Two plus ne, tu ne. Two plus ko, tujhko or tujhe. Two plus ka, tera. Two plus ke, tere. तू प्लस की तेरी. में से पर आर नॉट एप्लीकेबल विथ टू. नाउ वी कम टू द अनदर प्रोनाउन तुम. तुम प्लस ने यू. तुम प्लस को टू यू और तुम्हें. तुम प्लस के लिए तुम्हारे लिए. तुम प्लस का तुम्हारा. तुम प्लस के तुम्हारे. तुम प्लस की तुम्हारी. तुम प्लस में तुम में. तुम प्लस से तुम से. तुम प्लस पर तुम पर. आप. आपने. यू फॉर रिस्पेक्टेबल पर्सन्स. आप प्लस को आपको. आप प्लस के लिए आपके लिए. आप प्लस का आपका. आप प्लस के आपके. आप प्लस की आपकी. आप प्लस में आप में. आप प्लस से आपसे. आप प्लस पर आप पर. नाउ दैट पर्सन या ये प्लस ने इसने. ये प्लस को इसको और इसे. ये प्लस के लिए इसके लिए. ये प्लस का इसका. ये प्लस के इसके. ये प्लस की इसकी. ये प्लस में इसमें. ये प्लस से इससे.
ये प्लस पर इस पर, वो प्लस ने ही और ही और इट उसको और उसे, इट मीन्स टू हिम उसके लिए, फॉर हिम उसका, हिस उसके, हिस उसकी, हिस उसमें, इन हिम उससे, बाय हिम और फ्रॉम हिम उस पर, ऑन हिम और अपॉन हिम। नाउ प्लूरल्स, ये प्लस ने, इन्होंने, नो मीनिंग, सिंपली दे, ये प्लस को, इनको, ये प्लस के लिए, इनके लिए, ये प्लस का, इनका, ये प्लस के, इनके, ये प्लस की, इनकी, ये प्लस में, इन में, ये प्लस से, इनसे, ये प्लस पर, इन पर। सेम प्रोनाउन दे, वे प्लस ने, उन्होंने, वे प्लस को, उनको और उन्हें, वे प्लस के लिए, उनके लिए, वे प्लस का, उनका, वे प्लस के, उनके, वे प्लस की, उनकी, वे प्लस में, उनमें, वे प्लस से, उनसे, वे प्लस पर, उन पर। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट पर्सन माई। माई ने आम खाया, आई एट मैंगो। मेरे पिता दुबई में काम करते हैं, माय फादर इज वर्किंग इन दुबई। मुझ में क्या गलती है, वॉट इज द मिस्टेक इन मी। मुझको क्यों मारते हो, वाई डू यू बीट मी। हमको चाय लाओ, ब्रिंग टू टी टू अस। हमारे मास्टर पढ़ा रहे हैं, आवर टीचर इज टीचिंग। हमारे लिए क्या हुक्म है, वॉट इज द ऑर्डर फॉर अस। हमसे कौन लड़ता है, हु इज क्वारलिंग विथ अस। नाउ एग्जाम्पल्स फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस। तुझसे ये काम नहीं हो सकता, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय यू। तेरा भाई खेलता है, योर ब्रदर इज प्लेइंग। तुझको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तेरी बहन कौन है, हु इज योर सिस्टर। नाउ तुमने चार रोटियां खाई, यू एट फोर चपातीस। तुमको वहां नहीं जाना है, यू मस्ट नॉट गो देयर। तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। तुमसे छोटा कौन है, हु इज यंगर देन यू। आपने हमारी मदद की, यू हेल्प्ड अस। आप पर हमको मर्यादा है, वी हैव रिस्पेक्ट अपॉन यू। आपके लिए क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फॉर यू।
आपका दफ्तर कहाँ है? वेर इज योर ऑफिस? नाउ दैट पर्सन एग्जाम्पल्स, इसने हिंदी पढ़ी है, ही आर शी आर इट हैज स्टडीड हिंदी, इसके पास मेरा कलम है, माई पेन इज विथ हिम आर विथ हर, इसका नाम क्या है, वॉट इज हिस आर हर नेम, ये चित्र इसे बनाया गया है, दिस पिक्चर इज मेड बाई हिम आर बाई हर, उसको किताब दो, गिव दिस बुक टू हिम, उसकी कहानी सुनो, लिसन हिस आर हर स्टोरी, उस पर क्या इल्ज़ाम है, वॉट इज द कंप्लेंट अपॉन हिम, उसके पास कितने रुपये हैं, हाउ मच मनी इज विथ हिम, इनको इनाम दो, गिव देम द प्राइज, इनके लिए चाय लाओ, ब्रिंग टी फॉर देम, इनकी समस्या क्या है, वॉट इज देयर प्रॉब्लम, उनमें कौन नेता है, हु इज द लीडर अमंग देम, उनको अंदर बुलाओ, कॉल देम इन, उनसे एक काम लो, गेट दिस वर्क डन बाय देम, उनका घर कहाँ है, वेयर इज देयर हाउस, उनको कौन मारता है, हु बीट्स देम. सो 10 सेंटेंसेस आर गिवन ऑन द टॉपिक ऑफ केस एंडिंग्स जॉइंड विद द प्रोनाउन. नाउ प्लीज गो थ्रू देम. द चॉइसेस आर गिवन एंड सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस एंड राइट योर आंसर एंड refer your answer below the description. Thank you. Thank you. Yeah.